जिंक मेटल का सिलेक्ट रखा है। यहाँ पे क्या लिखा रखा है, जो मेटल ये सिलेक्ट जिंक किया ना आपने स्टिक के ऊपर, ये कॉपर मेटल का सिलेक्ट है। इन दोनों को आपने एक मेटालिक वायर से कनेक्ट किया है और बीच में वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है वो रखा है। ठीक है, यहाँ से एक सॉल्ट ब्रिज आपने बनाया होगा, है सॉल्ट ब्रिज बीच में रखा है। ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज। ये आपका जो इलेवेंथ में आपने पढ़ा हुआ है इसलिए फटाफट से आपकी फिगर बना रहे। ठीक है, ये हो गया आपका डेनियल सेल। अभी इसमें क्या होता है डेनियल सेल में, तो डेनियल सेल में आपने जाना था कि सी यहाँ पे क्या होगा, जिंक जो है जिंक Zn+4 ये Zn+2 यहां से, क्योंकि ये हमारा क्या है सबसे पहले जिंक एनोड है, क्या है एनोड, और ये है कैथोड। ठीक है, रिएक्शन किस तरह से होगी इसमें इसके ऊपर होगी। आपकी जो जिंक मेटल का स्लैब है उसमें से ऐसे होगा कुछ रिएक्शन। जिंक मेटल जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिंक मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक 2+ बन रही है उसकी वैलेंस यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन उसके फ्री हुए। ठीक है, इस तरह से सारे इसमें जितने भी जिंक एटम उसमें सभी करेंगे, यानी बहुत सारे क्या हो गए Zn+2, ये सारे इसके Zn+2 है। अभी +2 जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है। आयनिक सेल जो है एक्वेस, एक्वेस मतलब पानी में, एक्वा मतलब पानी, एक्वेस मतलब पानी मतलब क्या आपके सॉल्यूशन में, तो जो आयन है वो कभी मेटल में नहीं रहते, वो किसमें चले जाते हैं सॉल्यूशन में। तो Zn+2 सारे आपके किसमें आ गए सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए, समझ रहे हो, दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन करके इसके लिए नेगेटिव हो रहा है। तो क्यों, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। ठीक है, ट्रैवल करके यहाँ पे आएंगे इसके ऊपर, अभी इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपका कॉपर जो है पहले न्यूट्रल है, वो ये दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेगा तो उसका रिडक्शन होकर क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आपकी मेटल पे आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपका सॉल्यूशन में दो चीजें होगी, Cu+2 SO4-2। ठीक है, तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके तो आपकी क्या है किसमें आएंगे, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो ये इलेक्ट्रॉन आएगा सॉल्यूशन, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन ये डिफरेंस पैदा करेगा, क्या होगा आपका जो Cu+2 है वो दो इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा जो जोड़ी आई है और क्या बना देगा सॉलिड, ये एक्वेस था पानी में था, ये पानी में था Cu+2, ये जो है ये दो इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड बनेगा। अभी सॉलिड बनेगा तो इसके ऊपर जमा होगा, क्या होगा कॉपर आपका इसके ऊपर जमा होने लगेगा, यानी इसका वेट बढ़ेगा और इससे से क्या होगा आपकी मेटल जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि इसमें से प्लस होके मेटल के आयन नीचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जो वजन है वो कम होगा, यहाँ पे वजन बढ़ेगा। ये कौन सी रिएक्शन हुई, रिडक्शन है ना, कौन सी रिएक्शन हुई, रिडक्शन रिएक्शन हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। डेनियल से ये रेडॉक्स रिएक्शन ही हमें दिखाता है। ठीक है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हुई। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, तो सॉल्ट ब्रिज का ये काम है, यहाँ पे देखो Zn+2 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सबको समझ लो कि अगर n नंबर ऑफ Zn+2 थे, ऐसा Zn SO4 की बात है, तो n नंबर ऑफ SO4-2 होंगे, लेकिन जब जिंक की ये जो स्लैब है इसमें से जब जो जिंक प्लस टू आयन नीचे आ रहे हैं तो ये जो n है वो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए उतने यहाँ पे n ये बढ़ जाएंगे, तो ये कम हो जाएंगे आपके, तो ये जो सॉल्ट और यहाँ पे
ओके, क्योंकि कुछ सोल्ट जो है वो क्या करते हैं कि खुद आयोनाइजेशन अपना कर लेते हैं, कुछ सोल्ट कुछ मेटल इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या कर लेते हैं, अपना खुद का आयोनाइजेशन कर लेते हैं। तो वो खुद का आयोनाइजेशन कर लेंगे तो इसको पास कहाँ से करेंगे, और यहाँ पर सोल्ट मिक्स हो जाएगा, तो सोल्ट मिक्स नहीं होना चाहिए आयोनाइज होकर, ठीक है। तो इस तरह से हम सोल्ट भी सिलेक्ट करना है। अभी जो गैलेरिक सेल है इसमें ये इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ डिरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डिरेक्शन एनोड से कैथोड है, तो इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज क्या होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से ऑपोजिट, यानी ये हो गई इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन की जो भी डिरेक्शन होगी मूवमेंट की, इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्शन उसकी उल्टी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट उल्टी क्या होगी इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट, ठीक है। इसीलिए हम इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, क्योंकि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, ठीक है। अभी जो ये डेनियल सेल है हमारा, उसके सॉल्यूशन जो है वो सारे वन मोलर होते हैं, ये वन मोलर ये भी वन मोलर, ठीक है। और वोल्टेज जो ये जो वोल्टेज दिया जाता है वो 1.1 वोल्ट का फल, अगर यहाँ पर हमने वोल्टेज दिया नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पे एक्सटर्नली एक बाहर से वोल्टेज दे, कि सपोज ये सीरीज हमने ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसके ऊपर बैटरी, ठीक है, माइनस की तरफ माइनस रखा है, प्लस की तरफ प्लस रखा है, देखना अच्छे से, ठीक है। तो इसके तरफ अगर आपने बैटरी लगा दी तो क्या होगा, आपने ये क्या दिया है 1.1 वोल्ट की बैटरी लगाई, ये जो बैटरी है ना माइनस प्लस, ये बैटरी कितने की लगाई है आपने 1.1 वोल्ट की, ठीक है। तो ये बैटरी लगाने के बाद क्या होगा, अब एक चीज समझो, ये जो इलेक्ट्रिसिटी यहां से जनरेट हुई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है ये इलेक्ट्रिसिटी 1.1 पोटेंशियल की हो रही है, कितने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की 1.1 वोल्ट पोटेंशियल की, ठीक है, जो कहां से कहां जा रही है, यहां से यहां कॉपर से जिंक तक। आपने जो दूसरा अपोजिट एंड इक्वल पोटेंशियल दिया है, इक्वल पोटेंशियल 1.1 और अपोजिट मतलब जो बाहर से दिया है आपने उसकी डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट, ये इलेक्ट्रिसिटी इस तरफ है वैसी उस तरफ होगी, समझ में आया। तो अपोजिट एंड इक्वल पोटेंशियल आप दे रहे हो तो क्या चीज होती है, तीन कंडीशन हमारे पास होती है, पहले नोट डाउन कर लो फिर तीन कंडीशन हम देखते हैं फटाफट से पोज करके नोट डाउन कर चलो। ये क्या हो गया आपका डेनियल सेल, ठीक है, ये जिंक कॉपर मेटल ZnSO4 CuSO4 सोल्ट ब्रिज, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की डिरेक्शन इस तरह, तो इलेक्ट्रिसिटी उल्टी तरह। अभी आपने क्या दिया है ऑपोजिट एंड इक्वल वोल्टेज 1.1 वोल्ट का, ठीक है। तो जब तक पहला है कि एक्सटर्नल, इसमें आपने क्या किया थी एक्सटर्नल मतलब बाहर से आपने क्या दिया है वोल्टेज, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल पोटेंशियल ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल मतलब बाहर का
neither oxidation neither reaction and no current flow. नहीं रिएक्शन होगी केमिकल, नहीं करंट फ्लो होगा, ठीक है। अभी थर्ड कंडीशन जो है, थर्ड कंडीशन अपनी क्या है कि आपका E एक्सटर्नल अगर अभी बढ़ गया है 1.1 वोल्ट से, तो क्या हो जाएगा? अगर 1.1 वोल्ट से बढ़ गया, ठीक है, पहले क्या हो रहा था जल्दी से समझो, ये 1.1 वोल्ट से कम दे रहे हैं हम लोग, अभी ये क्या दे रहे हैं 1.1 वोल्ट से कम दे रहे थे पहले, ठीक है, इसका 1.1 है, तो जब तक कुछ कम है उससे ज्यादा, जब तक कुछ ज्यादा है, दो एक कम एक ज्यादा है, इफेक्ट कौन करेगा जो ज्यादा है वो, यानी कि ये इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, ये आपने एक्सटर्नली बाहर से सर्किट तो ज्वाइन कर दी लेकिन अभी इसका कोई असर नहीं हो रहा है, इसके आप रेगुलर काम जो चालू था वही काम चालू है, ठीक है। लेकिन जब ये 1.1 वोल्ट से ये बढ़ गया, यानी कि इससे ज्यादा इफेक्टिविटी इसकी हो गई, तो आपका फ्लो, इसका फ्लो ऑपोजिट है, इसका फ्लो इससे ऑपोजिट है, तो आपकी पूरी रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, यानी कि पूरी रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। क्यों उल्टी हो जाएगी? क्योंकि जो आपने ऑपोजिट एक्सटर्नली सॉरी एक्सटर्नल ऑपोजिट वोल्टेज दिया है, तो वो क्या करेगा, उसकी जो करंट की डिरेक्शन है वही करंट की डिरेक्शन अभी हमारे सेल की हो जाएगी, क्योंकि ये एनर्जी ज्यादा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जिंक का रिएक्शन हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और फ्लो जो है करंट वो जिंक से कॉपर पर जाएगा, करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, जिंक से कॉपर तक जाएगा, ठीक है। तीनों कंडीशन समझ में आ रही है, इस तरह से क्या हुआ है, पहले में क्या हो रहा है फिर देख लो, जब 1.1 वोल्ट हमारी ये जो डेंजर सेल जिसमें हमने ये नहीं लगाया है इतने तक का, इसका हमारा जो करंट मेजर मिल रहा है कैलकुलेटर से वो 1.1 वोल्ट मिल रहा है, तो अगर जब तक बाहर से उससे कम वोल्ट दे रहे हो तब तक ये असर करेगा ही नहीं, ये ज्यादा कहीं असर करेगा, इसलिए काम जैसे चालू था वैसे चालू रहेगा, डेंजर सेल में चालू था वैसे ही, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल है, सामने सामने इफेक्ट कैंसिल होकर सब कुछ, नो रिएक्शन नो करंट फ्लो। अब इसमें इसकी इफेक्ट बढ़ गई, तो इसकी करंट की डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी वो इस तरह है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, तो पूरी रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, तो हमारी रिएक्शन पूरी उल्टी हो गई और करंट का फ्लो भी उल्टा हो गया, ठीक है। आगे की कंडीशन समझ में, ओके नाउ इस सेल को हम बोलते क्या है, जिसमें आपने एक्सटर्नल सर्किट लगा के सब कुछ कर दिया, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्यों, क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। अब ये गैल्वेनिक सेल के कुछ अलग अलग टर्म्स है, उसकी कॉपर पे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है या जिंक का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसकी नई कौन सी टर्म्स सामने आती है, कौन से उसके फीचर्स सामने आते हैं, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन इस लेक्चर में क्या करना है, जो भी आज करवाया सब कुछ कंपल्सरी लिखना है 2 times, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में।